हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 इंटू में एक्स माइनस में 1। इस तरह के क्वेश्चन जो कि हमारे जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा ध्यान से करते हैं सॉल्व। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और एक्स माइनस में 1 इक्वल टू। अगर इस तरह का क्वेश्चन होगा तो हम इसको किस तरह करेंगे, ए अपॉन में एक्स माइनस 1 प्लस, अब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है, अगर माइनस होता तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो जाता, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी होता। लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है जिसमें कि हमारी डी की वैल्यू अगर निकालेंगे तो हमारी क्या आएगी, तो इसको हम इस फॉर्म में करेंगे, बी एक्स प्लस में सी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1। ये हमारा फॉर्मूला 5 है, क्योंकि हम एक्सरसाइज 7.5 से हमने 5 फॉर्मूला को याद कर रखा है। तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 होगा वो क्वेश्चन फॉर्मूले 5 पे बेस्ड है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स माइनस 1 इक्वल टू एलसीएम लेंगे अब हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एक्स माइनस 1, ए हमारा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 1 एंड बी एक्स प्लस में सी क्या आएगा हमारा एक्स माइनस में 1। ये तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे दोनों ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस बी एक्स प्लस में सी एक्स माइनस में 1। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, a एंड b की वैल्यू फाइंड करेंगे। एंड a एंड b की वैल्यू हम किस तरह फाइंड करते हैं, सबसे पहले क्या हमारा a के पास x माइनस 1 है, तो पुट x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे, और जब 1 वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये 0 हो जाएगा, b और c तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a 1 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस b 1 प्लस c 1 माइनस 1 0 हो गया। तो b और c तो हमारा टोटली 0 हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत तो है नहीं, तो 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर का 1 और 1 2 हो गया, तो 2a, तो a की वैल्यू हमारी क्या आएगी 1 अपॉन में 2। ओके, अब a की वैल्यू आने के बाद अब हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, क्या वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू एक बार 0 वैल्यू पुट करेंगे, और वो क्यों पुट करेंगे, जिससे कि हमारा c की वैल्यू फाइंड हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x की जगह 0 इक्वल टू a 0 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में b 0 हो गया हमारा प्लस में c 0 माइनस में 1, तो ये क्या हो गया, a हो गया, b हमारा 0 प्लस में सॉरी माइनस का c हो जाएगा, माइनस का c हो गया, तो c हमारा इक्वल टू किधर आ जाएगा, तो a इक्वल टू c हो गया, ये माइनस का है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का हो गया, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 अपॉन में 2। c की भी वैल्यू आ गई हमारे पास और a की भी वैल्यू आ गई, तो हम b की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि जब दो वैल्यू आ जाती है तो तीसरी फाइंड करना तो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड हम अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पुट यहाँ पे ऐसा सोचेंगे जिससे कि क्या हो 0 आ जाए, या फिर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 2 वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं क्या होता है, 2 इक्वल टू a एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस b का 2 प्लस में c 2 माइनस में 1, तो ये क्या है 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 1 5a
फाइव ए आया, फाइव ए प्लस में टू बी प्लस में सी। अब ए की वैल्यू हमें पता है और बी की वैल्यू हमें फाइंड करना और सी की वैल्यू पता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, फाइव टू इक्वल टू फाइव, ए की वैल्यू क्या है वन अपॉन में टू प्लस टू बी को एज इट इज़, और सी की वैल्यू हमें पता है वन अपॉन में टू, तो टू इक्वल टू फाइव अपॉन में टू प्लस में टू बी प्लस में वन अपॉन में टू। अब हम क्या करेंगे, फाइव अपॉन में टू और वन अपॉन में टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, फाइव प्लस वन सिक्स अपॉन में टू प्लस में टू बी इक्वल टू टू। अब कैंसिल करेंगे टू थ्री जा, तो ये थ्री इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस का थ्री प्लस का टू इक्वल टू हमारे पास क्या था टू बी था, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का वन इक्वल टू टू बी, एंड तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई माइनस का वन अपॉन में टू। और जब ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए हमारे पास वन अपॉन में टू, सी हमारे पास वन अपॉन में टू, एंड बी हमारे पास माइनस का वन अपॉन में टू। अब तीनों वैल्यू को हम किस में यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे, तो ए तो हमारा क्या है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप बिल्कुल ध्यान से करें। तो ए हमारा क्या है वन अपॉन में टू है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे वन अपॉन में टू कॉन्स्टेंट है तो इसको हमने बाहर लिख लिया, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है माइनस का वन अपॉन में टू, इसको अभी हम अंदर ही रहने देते हैं, वन अपॉन में टू एक्स, एक्स लिख लिया प्लस में सी की वैल्यू क्या आई है वन अपॉन में टू प्लस में वन अपॉन में टू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन डी एक्स। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये तो हमारा सिंपल हो गया वन अपॉन में टू डी एक्स एक्स माइनस में वन प्लस। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे सेपरेट, अलग अलग दोनों को कर लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा माइनस का वन अपॉन में टू कॉन्स्टेंट है तो इसको हमने बाहर लिख लिया, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन सेपरेट कर लिया डी एक्स प्लस में वन अपॉन में टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन, वन अपॉन में टू हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर लिख लिया, तो यहाँ पे क्या बचा डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन। ओके अब सिंपल हो गया, ये हमारा क्या हो गया वन अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस में वन। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्या है, यहाँ पे तो डी एक्स है नहीं, एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट करेंगे, तो इसको हम अभी थोड़ा इसके बाद अभी सॉल्व करेंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू लॉग और यहाँ पे क्या देखेंगे एक्स इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में वन का स्क्वायर, और इसका हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, मैं आपको एक दोबारा लिख के बता देता हूँ, इन दोनों को मैं फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, पहले साइड में, तो ये हमारा सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में वन को टी लेट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टू एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा डी टी अपॉन में टू हो जाएगा, तो एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन में टू हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वन अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस में वन, ये माइनस का टू इंटू हो जाएगा, तो ये तो हमारा वन अपॉन में फोर हो जाएगा अपॉन में डी टी अपॉन में टी। ओके प्लस आइए वन अपॉन में टू डी एक्स ए स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर क्या होता है वन अपॉन में ए, ए हमारा क्या है वन है, तो वन अपॉन में टू होगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए हमारा वन है प्लस में सी हो गया। ओके तो ये क्या आएगा वन अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस में वन, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस का वन अपॉन में फोर लॉग टी
प्लस में वन अपॉन में टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, तो ये हमारा वन अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस वन माइनस का वन अपॉन में फोर लॉग टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वन, एक्स स्क्वायर प्लस में वन प्लस वन अपॉन में टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर सेवन का। ओके, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया क्योंकि हमने बीच वाली वैल्यू को डायरेक्ट हम इसको लिख नहीं सकते थे क्योंकि एक्स डी एक्स था जिसको हमें अलग से सेपरेट करके लेट टी करके करना था, जो कि हम कर चुके हैं पहले के एक्सरसाइज में। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर सेवन समझ में आया हो। अगर आपको क्वेश्चन नंबर सेवन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर एट क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स माइनस वन का स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस में टू, और इस तरह का क्वेश्चन के फॉर्मूले हमें पता है, जैसे जो हमारा क्वेश्चन नंबर फोर पे बेस्ड है। ओके, एक्स माइनस ए का स्क्वायर और एक्स माइनस बी, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स ए अपॉन में एक्स माइनस ए प्लस में बी, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस में सी एक्स माइनस में बी लिखेंगे। ओके, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ओके, अब साइन का जरूर ध्यान रखें साइन में। अब जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन में x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस में टू, को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a अपॉन में x माइनस में वन प्लस में b x माइनस वन का स्क्वायर प्लस में c x प्लस में टू। इसके नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, जैसे कि हम बाकी क्वेश्चनों में भी करते आ रहे हैं, x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस में टू इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा x माइनस वन का स्क्वायर और x प्लस में टू, इसको हम इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं ना। यहाँ पे a x माइनस वन आएगा और x प्लस में टू आएगा, प्लस में b, हमारे b में क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो x प्लस में टू, प्लस सी में क्या आएगा, x माइनस वन का स्क्वायर, यही आएगा। ओके, तो ये हमारा दोनों ही कैंसिल हो गए, तो हमारे पास बचा क्या, अब a x माइनस में वन और x प्लस में टू प्लस में b x प्लस में टू प्लस में c x माइनस वन का स्क्वायर। एंड अब हम क्या करेंगे, ए बी एंड सी की वैल्यू फाइंड करते हैं, जैसे हम बाकी क्वेश्चनों में कर रहे हैं वैसे अभी भी करेंगे। पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को वन, ओके, जिससे कि बी और सी हमारा जीरो हो जाए, वो देखते हैं कैसे हो जाएगा। वन इक्वल टू ए, वन माइनस वन, वन प्लस में टू प्लस में बी, वन प्लस में टू प्लस में सी वन माइनस वन का स्क्वायर, तो ये तो वन हो गया, इक्वल टू ए हमारा जीरो हो गया क्योंकि वन माइनस वन क्या होगा, जीरो, और जीरो को किसी से इंटू करेंगे तो जीरो ही होगा। बी हमारा क्या आएगा, थ्री बी, थ्री बी आ गया, और सी भी हमारा वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, और जीरो को सी से इंटू करेंगे तो वो भी जीरो, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है वन अपॉन में थ्री। ओके, अब क्या करेंगे हम, x प्लस में टू है तो इक्वल टू के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस का टू, ये वैल्यू पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू माइनस का टू, तो ये हमारा माइनस का टू हो गया इक्वल टू। इसमें हम देखेंगे अगर माइनस टू वैल्यू पुट करेंगे तो, अब हम डायरेक्ट करते हैं, अगर माइनस टू इसमें पुट करेंगे तो a तो हमारा जीरो हो जाएगा, b भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस टू प्लस का टू जीरो, और जीरो को b से इंटू करेंगे जीरो, और यहाँ पे भी माइनस टू प्लस का टू जीरो, ए भी, c की वैल्यू आएगी हमारे पास टू माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हमारे पास माइनस का टू इक्वल टू टू माइनस वन क्या होगा, वन, और वन का स्क्वायर एज इट इज, तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस का टू, सॉरी माइनस का टू है, तो ये हमारा माइनस, और माइनस और माइनस क्या होगा, माइनस का थ्री का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का नाइन,
ओके, माइनस का 9 ये मैं आपको एक बार और करके बता देता हूँ। यहाँ से अगर सी की वैल्यू माइनस टू होगी तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 2 इक्वल टू ए, एन बी तो हमारा 0 हो गया, और सी क्या आएगा, सी माइनस का 2 और माइनस का 1 का स्क्वायर। तो माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1, 3 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 सी। टेन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस 2 अपॉन में 9। ओके, जब 0 वैल्यू पुट किया इक्वेशन में तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 1 और ये 2 प्लस में 2b, प्लस में c हमारा क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू माइनस का 2a प्लस में 2b प्लस में c। और उसके बाद हम क्या करेंगे, बी एंड सी की वैल्यू पुट करेंगे, तो इक्वल टू माइनस का 2a तो एज इट इज रहेगा, प्लस में 2, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 3 माइनस का 2 अपॉन में 9 सी की वैल्यू इक्वल टू किधर आएगा, तो ये तो हमारा 2a हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो 9, 3 3 जो 9 होता है, तो 3 3 टू द 6 ओके, माइनस का 2, तो 2a हमारा क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 9 ओके। अब a क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में 9 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 टू द 4, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 अपॉन में 9, a की वैल्यू आ गई हमारे पास, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, और a एंड b एंड c तीनों की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो a हमारा क्या है, 2 अपॉन में 9, 2 अपॉन में 9 डी एक्स अपॉन में x माइनस 1, एंड b की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, b हमारे पास है 1 अपॉन में 3 है, प्लस का 1 अपॉन में 3 जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर लिख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एंड सी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, माइनस का 2 अपॉन में 9 है, माइनस का 2 अपॉन में 9 अपॉन में एक्स प्लस में 2, डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 2 ओके। ये तो हमारा लॉग हो जाएगा दोनों, लेकिन यहाँ पे हम, यहाँ पे थोड़ी कैलकुलेशन होगी तो इसको हम सॉल्व कर लें, या फिर हम इसको क्या करते हैं, आई सिंपल में कर देते हैं, आई इक्वल टू आई वन प्लस में आई टू प्लस में आई थ्री ओके। तो सबसे पहले हम आई वन सॉल्व करते हैं, तो आई वन सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 2 अपॉन में 9 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस में 1, तो इक्वल टू 2 अपॉन में 9 लॉग एक्स माइनस 1, ये तो हमारा आई वन आ गया। अब हम आई टू सॉल्व करेंगे, आई टू इक्वल टू 1 अपॉन में 3, ये एक्स माइनस 1 का स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 माइनस का 2 हो जाएगा डी एक्स, तो ये हमारा 1 अपॉन में 3, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, एक्स माइनस 1 माइनस का 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस में 1, तो ये हमारा 1 अपॉन में 3 एक्स माइनस 1 का माइनस का 1 अपॉन में माइनस का 1, तो ये हमारा माइनस का 1 अपॉन में 3, और ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स माइनस 1 ओके, क्योंकि माइनस का 1 है नीचे आके प्लस का 1 हो जाएगा ओके, पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। ये हमारा I2 आ गया, और I3 हमारे पास क्या है, अगर आपको समझ नहीं आता तो आप तीनों को अलग अलग कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके साइड में इसका इंटीग्रेशन करके आप वैल्यू पुट कर सकते हो ओके।
अगर आप नए नए इंटीग्रेशन अगर सीख रहे हैं, आपको बिल्कुल बेसिक रूल अगर नहीं पता, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में टू, तो माइनस का टू अपॉन में नाइन लॉग एक्स प्लस में टू। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, आई हमारा क्या आ जाएगा, एडिंग, यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग आई वन आई टू एंड आई थ्री इन इक्वेशन, इसको ए ले लेते हैं। ओके, इन इक्वेशन फर्स्ट या फिर ए, जो भी हमने लेट किया, तो हमारे पास आई क्या है, आई इक्वल टू आई वन हमारे पास क्या है, टू अपॉन में नाइन, टू अपॉन में नाइन लॉग एक्स माइनस वन, और आई टू हमारा क्या है, माइनस का वन अपॉन में थ्री एक्स माइनस में वन, यही है। और ये हमारा क्या है, माइनस का टू अपॉन में नाइन लॉग एक्स प्लस में टू प्लस का सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर एट का। अगर आप इसको फर्दर और सॉल्व करना चाहते हैं, तो टू अपॉन में नाइन लॉग एक्स माइनस वन, और टू अपॉन में नाइन है लॉग ए माइनस बी, तो ये हमारा टू अपॉन में नाइन कॉन्स्टेंट हो गया, तो टू अपॉन में नाइन लॉग एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स प्लस टू, और माइनस का वन अपॉन में थ्री एक्स माइनस वन प्लस में सी, आप वो भी लिख सकते हैं। ओके, जो कि आपको, तो एक स्टेप और हम कर लेते हैं, तो आई आई हमारा क्या हो जाएगा, आई हमारा टू अपॉन में नाइन तो हमारा कॉन्स्टेंट है लॉग, एक हमारा क्या था एक्स माइनस वन था, और एक था हमारा एक्स प्लस में टू था। ओके, माइनस वन अपॉन में थ्री एक्स माइनस वन प्लस में सी, ये भी हमारा सॉल्यूशन सही है। ओके, और आप यहाँ तक भी छोड़ देते हैं, तो ये भी आपका सही होगा। ओके, सही है ये भी, और यहाँ तक आप करेंगे तो ये भी आपका सही है। ओके, और आपको पता है लॉग ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी होता है। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर एट के बाद क्वेश्चन नंबर नाइन को सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ थ्री एक्स प्लस में फाइव अपॉन में एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस में वन है। अब जो क्वेश्चन नंबर नाइन है, इस तरह का क्वेश्चन हम अभी तक तो हमने सॉल्व नहीं किया, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप, और इस क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिक वाइज ट्रिक, इसमें थोड़ा ट्रिक है जिससे कि ये सॉल्व होगा ट्रिक से, और थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं वो सीखते हैं अब हम। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थ्री एक्स प्लस में फाइव, और ये हमारा क्वेश्चन बाकी क्वेश्चनों से थोड़ा अलग है, तो इसको हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर, इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब से एक्स माइनस का वन। ओके, और इन दोनों में कॉमन क्या है, माइनस का वन एक्स माइनस वन। ओके, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस हो जाता है, तो हो गया ना सिंपल। आप अगर पहली बार ये क्वेश्चन देखेंगे तो आप कहेंगे ऐसा तो फॉर्मूला हमने कहीं पढ़ा ही नहीं कि इस तरह का, अगर नीचे डेनोमिनेटर में इस फॉर्म में हो तो इसको किस फॉर्म, किस तरह सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ब्रेक करके इस फॉर्म में ले आए, और इसके बाद हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। तो यहाँ हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन, जैसे हम फैक्टराइज में करते थे, अपॉन में। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है। तो थ्री एक्स प्लस में फाइव एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हम जानते हैं क्या होता है, क्या होता है, थ्री एक्स प्लस में फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन एक्स प्लस में वन एंड एक्स माइनस वन, यही होता है। ओके, तो अब हम इसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, थ्री एक्स प्लस में फाइव अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको एक्स माइनस वन का स्क्वायर अपॉन में
एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन ये हमारा हो गया एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में वन हो गया इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन। ओके इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इस तरह का फॉर्मूला तो हम याद कर पढ़ चुके हैं और इस तरह का क्वेश्चन भी हम इससे प्रीवियस क्वेश्चनों में हम सॉल्व भी कर चुके हैं। इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो इस फॉर्म में हो तो हम इसको इस में ब्रेक कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम लेंगे अपॉन में एक्स माइनस वन का स्क्वायर एंड एक्स प्लस में वन इक्वल टू एक्स माइनस वन का स्क्वायर एंड एक्स प्लस में वन। तो ए हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन एक्स प्लस में वन एंड बी हमारा क्या हो जाएगा एक्स प्लस में वन एंड सी हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन का स्क्वायर यही होगा। ये दोनों हमारे कैंसिल हो जाएंगे डेनोमिनेटर में तो हमारे पास बचा गया थ्री एक्स प्लस में फाइव इक्वल टू ए एक्स माइनस वन एक्स प्लस में वन प्लस में बी एक्स प्लस में वन प्लस में सी एक्स माइनस वन का स्क्वायर। ओके अब हम क्या करेंगे ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे और तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पुट एक्स इक्वल टू वन क्योंकि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो तो ये क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। तो थ्री वन प्लस में फाइव इक्वल टू वन माइनस वन ए तो हमारा जीरो हो गया बी की वैल्यू फाइंड करते हैं बी वन प्लस में वन एंड सी भी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि वन माइनस वन जीरो का स्क्वायर जीरो और जीरो को सी से इंटू करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा। तो थ्री प्लस में फाइव क्या होगा एट इक्वल टू टू बी टू फोर तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई फोर आ गई। ओके अब क्या करेंगे पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन वैल्यू पुट करेंगे। ओके क्योंकि एक्स प्लस में वन है इक्वल टू के बाद जाएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा थ्री माइनस का वन प्लस में फाइव इक्वल टू माइनस वन माइनस वन ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ए फिर से क्योंकि माइनस वन प्लस में वन जीरो और जीरो पे बी भी हमारा कैंसिल हो जाएगा माइनस वन प्लस में वन जीरो एंड सी की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी माइनस वन का स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा माइनस का थ्री प्लस का फाइव इक्वल टू सी माइनस माइनस टू और टू का स्क्वायर क्या होता है प्लस का फोर और यहाँ पे क्या आएगा टू इक्वल टू फोर सी तो सी क्या आ जाएगा हमारा टू अपॉन में फोर टू वन जा टू तो सी की वैल्यू हमारे पास फाइनली क्या है हमारे पास वन अपॉन में टू आ गई। एंड जब बी एंड सी की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू तो एज इट इज बिल्कुल इजी से हम फाइंड कर सकते हैं ए की वैल्यू एंड ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुट एक्स इक्वल टू हम क्या करेंगे जीरो पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल टू जीरो तो ये हमारा क्या हो जाएगा थ्री को जीरो से इंटू करेंगे जीरो प्लस में फाइव है तो फाइव एज इट इज लिख लेंगे इक्वल टू ए जीरो माइनस वन ए जीरो माइनस वन जीरो प्लस वन इसी इक्वेशन में पुट करेंगे ना हम प्लस में बी हमारा क्या होगा जीरो प्लस वन एंड सी हमारा क्या होगा जीरो माइनस वन का स्क्वायर तो ये तो हमारा फाइव हो गया ए ये हमारा माइनस का वन प्लस वन ये तो हमारा एजिट इज बी रहेगा और ये हमारा वन का स्क्वायर वन प्लस में सी होगा और ये हमारा फाइव इक्वल टू माइनस का ए प्लस में बी प्लस में सी फाइव इक्वल टू ए की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है और बी की वैल्यू क्या आई है हमारे पास फोर आई है प्लस सी की वैल्यू क्या है वन अपॉन में टू ए हमारा ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी इक्वल टू के बाद जाएगा तो पॉजिटिव इक्वल टू फोर प्लस में वन अपॉन में टू माइनस का फाइव फाइव इक्वल टू के बाद आया तो ए
अब एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 8 प्लस में 1 माइनस का 10। एलसीएम लेंगे तो 9 माइनस 10 क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन में 2। इस तरह ए की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, बी की भी वैल्यू फाइंड कर ली एंड सी की भी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम क्या करते हैं, ए बी और सी की वैल्यू हम इस इक्वेशन पुट करेंगे। तो ए हमारा क्या है, माइनस का 1 अपॉन में 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिखा डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1। एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है प्लस में 4 डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में सी हमारे पास, सी की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन में 2 डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में 1। यही इक्वेश। इसके बाद ये वाली फॉर्म और ये वाली फॉर्म तो हमारी इजीली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि माइनस का 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स माइनस 1 और 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स प्लस में 1। लेकिन इस फॉर्म में हम क्या करेंगे, एक्स माइनस 1 ऊपर जाएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही सॉल्व होगा। तो हम क्या करते हैं, आई नहीं तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स माइनस में 1 प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 का माइनस 2 हो जाएगा ऊपर जाएगा तो प्लस 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स प्लस में 1 प्लस में सी हो गया। ये 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 कांस्टेंट है तो इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, 1 अपॉन में 2 लॉग एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स प्लस में 1 प्लस, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 एक्स माइनस 1 माइनस 2 प्लस में 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस में 1 के प्लस में सी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में 2 लॉग और 1 अपॉन में 2 माइनस का होगा लॉग एक्स माइनस 1, सॉरी प्लस का होगा ना, क्यों प्लस का होगा, क्योंकि लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन में बी होता है ना, तो ये सॉरी प्लस का होगा। ओके, और ये हमारा माइनस, क्योंकि माइनस 2 प्लस में 1 माइनस का 4 और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 1 का प्लस में सी। ओके, इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करेंगे तो यही हमारा हमारी वैल्यू आएगी। ओके, और ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 9 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इंटू में 2x प्लस में 3। इसमें हम कौन सा रूल लगाएंगे वो देखते हैं, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ये जैसे हमारा क्या है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ओके, तो 2x माइनस 3 को एज इट इज रहने देंगे इसको, एंड इसको हम चेंज कर लेंगे x माइनस 1 और x प्लस में 1 एंड 2x प्लस में 3 dx, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ओके, और इसके बाद अब हम 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए x माइनस 1 प्लस बी x प्लस 1 प्लस सी 2x प्लस 3। ओके, एंड इसके बाद 2x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 1 x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस 1 एंड 2x प्लस में 3
प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस थ्री, प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, यही आएगा एक्स माइनस वन और एक्स प्लस वन, इससे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा सिर्फ टू एक्स माइनस थ्री इक्वल टू ए एक्स प्लस वन एंड टू एक्स प्लस थ्री, प्लस बी हमारा क्या आएगा एक्स माइनस वन एंड टू एक्स प्लस थ्री, एंड प्लस सी हमारा क्या है एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे वैल्यू क्या, एक्स इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा वन आ जाएगा, ओके। और जब एक्स की वन आएगा, वन माइनस का थ्री इक्वल टू वन प्लस वन, वन प्लस वन एंड टू वन प्लस थ्री, बी हमारा वन माइनस वन जीरो, तो बी तो हमारा जीरो हो गया एंड सी भी हमारा जीरो, क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया और जीरो को इनटू करेंगे तो हमारा पूरा सी हमारा क्या हो गया जीरो। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, टू इंटू टू टू माइनस थ्री इक्वल टू ए, वन प्लस वन टू हो गया एंड थ्री प्लस टू फाइव हो गया, तो ये हमारा माइनस वन इक्वल टू थ्री, फाइव टू जा टेन ए, तो ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास माइनस वन अपॉन में टेन, ओके ए की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बी क्या करेंगे, एक बार एक्स माइनस वन पुट वैल्यू करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, अब माइनस वन पुट करेंगे तो टू माइनस वन प्लस में थ्री इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, ए तो हमारा जीरो हो गया टोटल एंड बी माइनस वन माइनस वन टू माइनस वन प्लस में थ्री एंड सी माइनस वन माइन, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, सी भी हमारा जीरो हो जाएगा, तो ये क्या हो गया माइनस टू प्लस में थ्री इक्वल टू बी माइनस का टू एंड माइनस का टू प्लस का थ्री वन होगा, टू वन जाए टू माइनस का और प्लस में थ्री, तो थ्री माइनस टू वन, तो ये क्या आएगा वन इक्वल टू माइनस का टू बी, तो बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड होगी माइनस का सॉरी वन अपॉन में टू माइनस का। और हम क्वेश्चन में क्या देखते हैं, क्वेश्चन में देखने पे यहाँ हमारा क्या है माइनस का थ्री है और हमने यहाँ पे प्लस का थ्री लगाया, तो यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो थ्री माइनस टू क्या होगा माइनस का फाइव हो गया, ओके। तो बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस का और माइनस 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 कैंसिल, तो बी की वैल्यू क्या आ गई फाइव अपॉन में टू, ओके। ए एंड बी की वैल्यू आ गई, अब हम सी की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, सी की वैल्यू क्या आएगी हमारी टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो टू एक्स हमारा क्या हो जाएगा माइनस का थ्री, तो एक्स इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन में टू, ये वैल्यू पुट करेंगे ना, अब हम पुट एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री अपॉन में टू, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा टू माइनस का थ्री अपॉन में टू और माइनस का थ्री इक्वल टू ए हमारा ए, इसके बाद ए की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, वो देखते हैं कैसे हो जाएगी। एक्स की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे माइनस का थ्री अपॉन में टू एंड फिर प्लस वन प्लस वन अपॉन फिर टू की माइनस थ्री अपॉन में टू प्लस थ्री, ओके फिर प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे माइनस का थ्री अपॉन में टू माइनस का वन एंड सेकंड टू इंटू में माइनस का थ्री अपॉन में टू प्लस का थ्री, प्लस सी में वैल्यू पुट करेंगे माइनस का थ्री अपॉन में टू माइनस वन माइनस का थ्री अपॉन में टू प्लस का वन, ओके। तो यहाँ पे देखेंगे टू से टू कैंसिल, तो थ्री प्लस
थ्री माइनस का एक प्लस का, तो ए तो हमारा जीरो हो गया, इसी तरह हमारा बी भी जीरो हो जाएगा, वो देखते हैं, क्योंकि टू से टू कैंसिल हो गया, माइनस थ्री प्लस थ्री ये भी जीरो, तो हमारे पास सी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, थ्री टू जो सिक्स, माइनस का सिक्स अपॉन में टू, माइनस का सिक्स अपॉन में टू, माइनस का थ्री इक्वल टू सी, सी की वैल्यू क्या आएगी, एलसीएम लेंगे तो टू माइनस का थ्री माइनस का टू, ओके एलसीएम तो आप यहाँ पे ले लेंगे, और इसके बाद यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो टू माइनस का थ्री प्लस का टू, तो और यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे टू का, तो माइनस का सिक्स और माइनस का सिक्स इक्वल टू सी, सी में वैल्यू क्या आएगी, माइनस का फाइव अपॉन में टू एंड माइनस का वन अपॉन में टू, एंड यहाँ पे हमारा माइनस का ट्वेल्व अपॉन में टू इक्वल टू फाइव वन जा फाइव अपॉन में टू टू जा फोर सी, यही आएगी ना। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व इंटू में फोर अपॉन में फाइव इंटू में टू इक्वल टू सी, एंड सी की फाइनली वैल्यू क्या आएगी, टू टू जा फोर, तो माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन में फाइव, यही वैल्यू आएगी सी की। तो इस तरह हमने ए बी एंड सी तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, एंड तीनों की वैल्यू को हम पुट कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे करेंगे। तो ए हमारा क्या आया है, ए की वैल्यू हमने क्या फाइंड किया, माइनस का वन अपॉन में टेन जो कि कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया, तो डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, एंड बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, प्लस का फाइव अपॉन में टू है, ये भी हमारा कांस्टेंट टर्म है, इसको भी हमने बाहर लिख लिया, एंड डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में वन, एंड थर्ड हमारा सी की वैल्यू क्या आई है, माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन में फाइव इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस में थ्री, ओके वन अपॉन में एक्स इन सबको, तो हमारा क्या होगा, लॉग एक्स होता है, वन अपॉन में टेन लॉग एक्स माइनस वन प्लस फाइव अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस वन, एंड ट्वेंटी फोर अपॉन में फाइव लॉग टू एक्स प्लस थ्री प्लस में सी। आप चाहते हैं तो प्लस वाले को इस तरफ लिख सकते हैं, फाइव अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस वन माइनस का वन अपॉन में टेन लॉग एक्स माइनस वन, एंड माइनस का ट्वेंटी फोर अपॉन में फाइव लॉग टू एक्स प्लस थ्री प्लस में सी। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर टेन का। ओके आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर टेन। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके मेरे से कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं, कमेंट करके, नहीं तो अगर चाहते हैं तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जिससे कि आप डायरेक्टली मेरे से क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 5x अपॉन में x प्लस वन इन टू में एक्स स्क्वायर माइनस फोर, तो 5x तो हमारा एज इट इज़ हो जाएगा है, और x प्लस वन, और इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस का टू स्क्वायर, तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होता है। ओके तो ये हमारा क्या जाएगा, 5x अपॉन में एक्स प्लस वन, एंड इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस में टू, इसको ब्रेक करके इस फॉर्म में लिख लिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो हमारा क्या आएगा, 5x अपॉन में एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, ए हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वन प्लस बी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू
प्लस सी हमारा क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू। ओके, तो अब 5x अपॉन में x प्लस वन, एक्स माइनस टू एंड x प्लस टू इक्वल टू एलसीएम x प्लस वन, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू। तो a x माइनस टू एंड x प्लस टू, b का एलसीएम क्या होगा, x प्लस वन एंड x प्लस टू, प्लस c का क्या हो जाएगा, x माइनस वन एंड x माइनस टू। यही होगा ना, x माइनस वन और इनटू में x माइनस टू, ये हमारे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 5x इक्वल टू a x माइनस टू x प्लस टू, प्लस b हमारा क्या आ जाएगा, x प्लस वन x प्लस टू, प्लस c x माइनस वन ये प्लस है x प्लस वन एंड x माइनस टू। ओके, अब हम क्या करेंगे, a b एंड c तीनों की वैल्यू फाइंड करेंगे। तीनों की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले पुट x इक्वल टू माइनस का वन वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फाइव हो गया और ये माइनस का वन इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी, माइनस का वन माइनस का टू, माइनस का वन प्लस का टू, एंड बी हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि माइनस वन प्लस का वन जीरो, एंड सी भी हमारा जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा माइनस का फाइव इक्वल टू ए, माइनस का थ्री एंड वन, तो ये हो जाएगा माइनस का थ्री ए, माइनस का फाइव, माइनस से माइनस हमारा कैंसिल, तो ए हमारा ए की वैल्यू क्या आ गई, फाइव अपॉन में थ्री, ए की वैल्यू फाइंड होगी। अब हम बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू, एक्स माइनस टू है तो एक्स की जगह हम टू वैल्यू पुट करेंगे, तो ए एंड सी दोनों भी, दोनों हमारा जीरो हो जाएगा, बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी यहाँ से। अब तो फाइव टू इक्वल टू ए हमारा क्या हो जाएगा, टू माइनस टू जीरो, तो ए तो जीरो हो गया, एंड बी की वैल्यू क्या आएगी, टू प्लस वन एंड टू प्लस टू, एंड यहाँ पे भी हमारी टू प्लस वन थ्री होगी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, टू माइनस टू जीरो, तो जीरो को इससे टोटली टर्म हमारा जीरो, तो ये हमारा टेन इक्वल टू बी, टू प्लस वन थ्री एंड टू टू फोर, क्या आ गया, ट्वेल्व बी अपॉन इक्वल टू टेन, तो बी हमारा क्या आएगा, टेन अपॉन में ट्वेल्व, टू फाइव ज़ा टेन, टू सिक्स ज़ा ट्वेल्व, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ गई फाइव अपॉन में सिक्स, ए एंड बी। अब सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स प्लस में टू, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का टू। सी की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस का टू, माइनस की टू वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, फाइव माइनस का टू इक्वल टू, ए जीरो हो गया, बी भी जीरो हो जाएगा, सी की वैल्यू फाइंड आ जाएगी। फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, टू प्लस में वन माइनस, सॉरी माइनस का टू है, एंड माइनस का टू माइनस का टू, तो ये क्या आ गया हमारा, माइनस का टेन इक्वल टू सी, माइनस का टू क्या होगा, माइनस का वन एंड टू टू माइनस का फोर, तो ये तो हमारा माइनस का टेन हो गया, और ये फोर वन जा फोर, प्लस का फोर सी। ओके, अब क्या करेंगे, सी क्या आएगा हमारे पास, माइनस का टेन अपॉन में फोर, टू टू जा फोर, टू फाइव जा, तो सी की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का फाइव अपॉन में टू। इस तरह हमारे पास ए बी और सी तीनों की वैल्यू आ गई, और तीनों की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे, तो ए हमारा क्या है, फाइव अपॉन में थ्री है, तो फाइव अपॉन में थ्री डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन, प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, फाइव अपॉन में सिक्स, तो फाइव अपॉन में सिक्स डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस एक्स माइनस टू, एंड सी की वैल्यू क्या है, माइनस का फाइव अपॉन में टू डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस में टू। अब यहाँ से हम क्या लिख, सिंपल है, फाइव अपॉन में थ्री लॉग एक्स प्लस वन,
प्लस फाइव अपॉन में सिक्स लॉग एक्स माइनस टू, माइनस का फाइव अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस में टू प्लस में सी, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वन डी एक्स। अब जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो हमारा क्या होगा, इसमें हम देखेंगे एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर है, मतलब जो डिग्री है ऊपर, मतलब इसको अगर हम पी एक्स है ये हमारा और ये हमारा क्यू एक्स है, तो पी एक्स क्या है ग्रेटर देन है क्यू एक्स के, जो कि ग्रेटर देन, अगर पी एक्स ग्रेटर देन होता है क्यू एक्स के तो उस फॉर्म में हम लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ करते हैं। और कब करते हैं, एक और सेकेंड टाइप में, जब पी एक्स इक्वल हो क्यू एक्स के, और पी एक्स हमारा ये न्यूमरेटर है और क्यू एक्स हमारा डेनोमिनेटर है, तो इस समय हम कौन सा रूल लगाएंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही सेम है, ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 को भी हमने सॉल्व किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। और अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन आ रहा है पेपर में, एग्जाम में, अगर कहीं पे भी, तो आप ये देखेंगे कि अगर ऊपर की पावर अगर डिग्री या पावर अगर ज़्यादा है नीचे के मुकाबले, तो उस समय हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ओके। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में वन, और किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, किससे, एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आ गया, और माइनस का एक्स से करेंगे तो माइनस का एक्स हो गया, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या है 2x प्लस में 1, ओके। और हम डिवीजन मेथड में एक फॉर्मूला जानते हैं, इसको आप साइड में लिख सकते हैं, डिविडेंड क्या होता है, इक्वल टू में डिवाइजर इनटू में कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, यही होता है। तो आप इसको क्वेश्चन में ना लिख के आप रफ वर्क में इसको लिख सकते हैं, ओके, जिससे कि आपको ध्यान रहे डिविडेंट हमारा क्या है, हमारा डिविडेंट ये वाला है, ओके, आपको पता होना चाहिए ये हमारा डिविडेंट होता है, ओके, ये हमारा डिवाइजर होता है, ये हमारा कोशेंट होता है, और ये हमारा रिमाइंडर होता है, ओके। मैं आप तो डिविडेंट हमारा क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस में एक्स प्लस में वन, एंड डिवाइजर मैंने आपको क्या बताया, ये होते हैं, ये है ना डिवाइजर, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, और कोशेंट हमारा क्या है, कोशेंट हमारा ये है इनटू में एक्स अपॉन में एज इट इज, जो नीचे का है वो एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में वन, और ये टोटली हमारा क्या है, इंटीग्रेशन का सम है, तो इंटीग्रेट प्लस, यहाँ पे हमारा डी एक्स आ गया, प्लस हो गया। अब रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास, टू एक्स प्लस में वन, इंटीग्रेट इसको भी करना है, एंड डेनोमिनेटर में वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में वन डी एक्स, ओके। अब ये तो हमारा कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा वन, तो ये क्या है, सिर्फ वन को अगर एक्स से करेंगे तो एक्स ही आएगा, एक्स डी एक्स प्लस में, अब यहाँ पे क्या है, टू एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वन डी एक्स। आपको समझ में आया ये एक्स कैसे है, एक्स स्क्वायर माइनस वन ये कैंसिल आउट हो गया तो एक्स बचा, ओके, तो ये टर्म आ गई इक्वल टू, और हम जानते क्या हैं, लेट कर लेते हैं, ये हमारा आई इक्वल टू, इसको हमने लेट कर लिया आई वन प्लस में आई टू, ओके, ये हमारा आई वन है और ये हमारा आई टू है। तो सबसे पहले हम आई वन को सॉल्व करते हैं, ओके ओके फ्रेंड, तो ये हमारा आई वन क्या है, एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हम जानते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में सी होता है, ये हमारा आई वन आ गया। अब आई टू सॉल्व करते हैं, आई टू हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स प्लस में वन,
टू एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस में वन, एक्स स्क्वायर माइनस का वन और डी एक्स, यही वैल्यू है ना हमारी आई टू की। ओके तो टू एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस का वन स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए और एक्स प्लस में ए, यही होता है ना फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, अगर नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, और इससे पहले के भी क्वेश्चन में आ चुके हैं ये, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लें अगर आपको नहीं आता तो, ए माइनस बी एंड ए प्लस में बी। ओके तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए अपॉन में एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन में एक्स प्लस वन, तो ये हमारा टू एक्स प्लस में वन अपॉन में एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन, और राइट हैंड साइड में हम एलसीएम लेंगे तो ये हमारा एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस में वन, तो ए हमारा क्या आ जाएगा एक्स प्लस में वन प्लस में बी हमारा क्या आ जाएगा एक्स माइनस में वन, ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए नीचे वाले टर्म, तो टू एक्स प्लस में वन इक्वल टू क्या आ गया, एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स माइनस वन। सबसे पहले पुट करेंगे एक्स की वैल्यू वन, तो बी तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो टू वन प्लस वन इक्वल टू ए वन प्लस में वन, बी तो हमारा जीरो क्योंकि वन माइनस वन जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया टू वन टू प्लस वन थ्री इक्वल टू वन वन टू ए, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई थ्री अपॉन में टू आ गई। अब एक बार पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू माइनस वन, तो टू माइनस वन प्लस वन इक्वल टू ए हमारा जीरो हो जाएगा, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन माइनस वन, तो माइनस का टू प्लस में वन इक्वल टू माइनस का टू बी, माइनस का वन इक्वल टू माइनस का टू बी, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई वन अपॉन में टू आ गई। अब ए एंड बी की वैल्यू फाइंड, ए हमारा क्या है थ्री अपॉन में टू, थ्री अपॉन में टू कॉन्स्टेंट है इसको हमने बाहर लिख लिया, डी एक्स अपॉन में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और प्लस में बी हमारा क्या है वन अपॉन में टू डी एक्स अपॉन में एक्स प्लस वन। तो बी क्या आ जाएगा हमारा थ्री अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस में वन, यही है ना थ्री अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस में वन अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस में वन। ओके ये हमारा क्या आ गया आई टू आ गया। अब क्या करेंगे ऐड करेंगे आई वन एंड आई टू को इन इक्वेशन फर्स्ट में, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, तो आई की वैल्यू कब आ जाएगी हमारे पास, आई हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन में टू प्लस में थ्री अपॉन में टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन में टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस में सी। काफ़ी सिंपल है ना क्वेश्चन नंबर 12, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने प्रैक्टिस की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी आप पूछ सकते हैं मेरे से, सजेशन दे सकते हैं मेरे को। और बाकी के बचे वीडियो को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।